श्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाओ से ठाकुर तो चले मित्र गाओ ना कौन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हा गोविंद राधे बोल गोपाल राधे हा गोविंद राधे बोल गोपाल राधे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाई तुलसी देवै प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरि कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग पहले श्रवण किया था जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्तों को बुला बुला करके उनको वर दे रहे थे, उनको आशीर्वाद दे रहे थे और उनको पूर्व पूर्व इतिहास को सुना रहे थे, लेकिन उन्होंने मुकुंद को नहीं बुलाया। तो भक्त लोगों ने बोले, प्रभु आप मुकुंद को क्यों नहीं बुलाते हो जो इतना सुंदर भजन गाता है, अपना इतना प्रिय भक्त है। महाप्रभु बोले, वो कौन है? खड़ झाटिया है, हैं? इसलिए वो जिस दल में जाता है वो उसी दल में मिल जाता है। भक्तों को साथ में जाए तो भक्त बन जाता है और ज्ञानियों के पास में जाए तो ज्ञानी बन जाता है। गंगा जाए तो गंगा राम और जमुना जाए तो जमुना राम। हाँ, जिस दल में जाए उसी दल में हिल मिल जाता है, इसलिए मैं उसको कृपा नहीं करूँगा। तो मुकुंद ने कहा, एक बार प्रभु को पूछो, क्या कभी कृपा नहीं करेंगे? महाप्रभु बोले, करेंगे, लेकिन कोटि जन्म के बाद में उसको मैं कृपा करूँगा। इतना सुनते ही मुकुंद तो हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर दिया। हैं, क्या करना शुरू कर दिया? हाँ, क्यों नाचना शुरू कर दिया? कौन बोलेगा? बोला, उन्हें नाचना क्यों शुरू किया? जब महाप्रभु बोले, कोटि जन्म के बाद में मिलेंगे। बोला, अनुभव बोलो, क्यों क्यों नाचना शुरू कर दिया? बोलो बोलो कि नाचना क्यों उन्होंने शुरू कर दिया? और क्या है? और कौन बोल सकता है? बोला, पहले हमने जो बताया ये बात को बताओ। ये तो एक बात है, महाप्रभु जब एक बार बोल दिए, क्योंकि जो भगवान है कहते ना, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य। भगवान जो बोलते हैं उनका बोली कभी असत्य होता ही नहीं, मर जड़ा सत्य असत्य होता ही नहीं। भगवान जो कुछ बोलते हैं उनका वाणी सत्य है, इसलिए बस अस्वीक नहीं बोलते नहीं, इसलिए सत्य है। इसलिए महाप्रभु जब बोले, एक बार जरूर कृपा करेंगे, ये कारण। और क्या कारण? असली जो रहस्य था क्या है? उसका जो असली जो अंदर का जो रहस्य था, वृंदावन कह रहे, असली जो रहस्य था, तुम लोग पिछले बार सुने नहीं थे, असली जो रहस्य क्या था है? तुमने सुना था बड़े पंडित जी? हाँ, क्या असली जो रहस्य था? कि उनको महाप्रभु पर पूर्ण विश्वास था कि जो ये तो बोल दिए। और असली जो रहस्य पिछली बार जो सुने थे प्रभुपाद, इस विषय पर प्रभुपाद ने क्या बोला था? कुछ लिखे हो? कुछ विषय लिखे? हाँ, किसको याद नहीं ना, सब फैल है। इसलिए वो प्रसन्न हो गए, कारण यही था।
क्योंकि जब ये मुकुंद ज्ञानी उनको साथ में चले मिल जाते थे, वो ज्ञान को ही सर्वोच्च बोलते थे। ज्ञान ही सर्व कुछ है, हैं? ज्ञान के बगैर भगवत प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान को ज्ञानी लोग क्या करते हैं, भगवान को निराकार, निर्विशेष, निर्लिप्त ब्रह्म और ज्योति स्वरूप मानते हैं। और इनका जो लक्ष्य है, एक दिन ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना है, इनका यही लक्ष्य, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं। लेकिन जो एक बार ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है, वो चिरकाल के लिए जीव का जो सत्ता है, जीव कौन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव भगवान का नित्य दास है। और भगवान कौन है, भगवान रस स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। एक दिन ये जीव वो दिव्य आनंद को, वो दिव्य रस को अनुभूति कर सकता है। लेकिन जब उसका ब्रह्म साजु जो उजुन मिल जाना, जब ये ब्रह्म ज्योति में ये जीव मिल जाता है, पहले बताया ना, जैसे कि चींटी जब गुड़ खाने के लिए जाता है, गुड़ का आस्वादन कब करेगा, जब गुड़ से अलग रहे तब तो गुड़ का आस्वादन करेगा। लेकिन अगर गुड़ में ही वो लिपट गया, फिर गुड़ का आस्वादन कैसे करेगा। जीव भगवान जो रस स्वरूप है, उसको जीव कैसे आस्वादन करेगा, जब उनसे अलग रहे। लेकिन अगर उनके साथ में मिल गया, फिर तो गया, जीव का सत्ता ही नष्ट हो गया चिरकाल के लिए। कभी वो जीव और भगवत प्रेम रस को कभी आस्वादन नहीं कर सकता है, फिर गया चिरकाल के लिए है। इसलिए पिछली बार मैंने इसी विषय पर मैंने बहुत बात बताया था, बहुत कुछ उदाहरण दिया था। लेकिन जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु बोले कोटि जन्म के बाद में मेरा दर्शन मिलेगा, इसका मतलब है मुकुंद को निश्चय हो गया एक दिन मुझे महाप्रभु कृपा करेंगे। कृपा करेंगे मतलब क्या, भगवान का जो भक्ति रस है, जो प्रेम रस है, वो प्रेम रस एक दिन मुझे जरूर मिलेगा। हाँ, क्यों, महाप्रभु कौन है, सत्य व्रतम परम त्रिसत्य, भगवान सत्य है, जो बोलते हैं वो सच होता है। इसलिए यहाँ पर मुकुंद ने क्या किया, नाचना शुरू कर दिया। हाँ, मिलेगा 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 बोल करके नाचना शुरू कर दिया। जब उन्हें नाचना शुरू कर दिया, महाप्रभु इसकी दृढ़ता को देख करके महाप्रभु प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के महाप्रभु बोले मुकुंद को बुला करके ले आओ, हैं? इसलिए बुला करके ले आओ। इसलिए कहते हैं संग दोषे तुम्हार सकल हैल क्षय, तोर स्थाने अमार हैल पराजय। महाप्रभु कहते हैं, कहते अभी तुमने भक्तों का संग किया है, हैं? भक्तों का संग करने से तुम्हारी सारे दोष नष्ट हो गया, तुम्हारी सारे दोष, और मैं तुम्हारे पास में मेरा पराजय हो गया, और तुम्हारी जय हो गया और मेरा पराजय हो गया, महाप्रभु हार गए। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं भगवान को ये जो भक्ति है, भगवान को बसीभूत कर देता है, हैं? बसीभूत कर देता है। इसलिए बोले हे मुकुंद, हैं? हे मुकुंद, कहती है मुकुंद कौन है, कहती भगवान की नित्य परिकर है, भगवान की नित्य परिकर है। इसलिए नित्य परिकर होने का नाते महाप्रभु दूसरों को शिक्षा दे रहे थे, बोले भैया खड़झाटिया मत बनो, जिस दल में जाओगे वैसे ही बन जाओगे, ऐसे भक्ति जगत में करने से भगवान का कृपा प्राप्त नहीं होगा। भक्तों के पास में ऐसे भक्तों की भक्ति की महिमा गाओगे, जब ज्ञानियों के पास में जाओगे ज्ञानियों का महिमा गाओगे, हैं? इसलिए कभी ऐसे नहीं करनी चाहिए, ऐसे करोगे तो फिर तो भगवान की भक्ति तुम्हें प्राप्त नहीं होता, हो सकता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, कहते तुम्हारी जो उत्कट जो सेवा प्रवृत्ति है, हाँ, तुम्हारी जो लालसा है, कहते तुम्हारा जो मैं बताया जो करोड़ों जन्मों के बाद में मुझे प्राप्त होगा, वो क्या हो गया, एक निमिष मात्र में ही सब कुछ नष्ट हो गया, है? इसलिए निमिष मात्र नष्ट हो गया, इसलिए तुमने मेरे को जीत लिया है, हैं? जीत लिया है। इसलिए कहते तुम्हारी जीवा में, क्योंकि मुकुंद बड़े ही सुंदर, कहते संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय, हम जो कीर्तन कहते हैं ना, इसमें गाते संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय, महाप्रभु का आरती में ये कीर्तन करने वाले। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, इसलिए तुम्हारी जीवा में मेरे निवास है, हैं? नित्य वास तुम्हारी है।
यहाँ पर कह प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं भगवान को कैसे प्राप्त हो सकते हैं, केवल भक्ति वश चैतन्य गोस्वामी, भगवान केवल भक्ति को द्वारा ही वशीभूत होते हैं और किसी को द्वारा वशीभूत नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं, अगर तुम्हारी भक्ति नहीं, या उदाहरण दिया दुर्योधन कृष्ण को दर्शन किया है क्या कि नहीं किया ना, जब भगवान शांति दूत बन करके आए बोले पांडवों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 5 गांव दे दो बस, इससे ही खुश हो जाएंगे और सारे राज्य को तुम भोग करो। लेकिन उसने क्या बताया, बगर युद्ध के सुई के नोक के बराबर बराबर भी मैं जमीन देने के लिए तैयार नहीं हूं। 5 गांव की बात बता रहे हूँ, कृष्ण साक्षात खड़े हैं, लेकिन उसने क्या किया था, पहले से ही बढ़िया बढ़िया खाना बना कर रखा था, बोले ग्वाला इसको खिला पिला करके अपना हाथ की मुट्ठी में मैं कर लूंगा है। इतने में दुर्योधन ने कहा कृष्ण ये सब बात बात में करेंगे, चलो घर में भोजन कर लो, पहले भोजन को बाद में ये सब बात बैठ कर कर लेंगे। लेकिन भगवान ने क्या बोले, बोले देखो दुर्योधन 3 ही अवस्था में कोई भोजन कर सकता है, अगर कोई मित्र हो, नहीं तो भूख लगे, और जिस काम के लिए आए अगर ये काम बन गया तो कोई भोजन कर सकते हैं, लेकिन मैं भोजन करने वाला नहीं। बोले कहीं तो करोगे, बोले कहीं कर लूंगा, बोले तुमने बताया नहीं कहीं पहले, मैं इतना बढ़िया बढ़िया मैंने रोसिया बना करके तुम्हारा लिए इतने सुंदर सुंदर मैंने छापन भोग 36 व्यंजन मैंने बनाया, और यहाँ आकर बोले खाओगे नहीं, खाओगे नहीं तो तुमको बंदी बना देंगे तुमको। कृष्ण ने कहा किसको बंदी, बोले आपको, बोले बंदी बना करके देखो, बोले सैन्यों को बुलाए पकड़ लो इसको, ये ग्वाल को पकड़ लो बंदी बना दो। इतने में कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने विराट रूप दिखाया, अपना ज्योति दिखाया, और जहां देखे उधर कृष्ण कृष्ण, और उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, ऐसे ज्योति दुर्योधन देख नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर कह रहे हैं दुर्योधन के अंदर में भक्तिहीन होने का नाते साक्षात कृष्ण सामने, लेकिन क्या कर रहा है, बंदी बना। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं अगर भक्ति नहीं है ना, अगर तुम्हें भगवान मिल भी गए कोई लाभ नहीं होने वाला तुम्हारी हैं, कोई ना लाभ नहीं होने वाले। दूसरा उदाहरण देते हैं, जिस समय कृष्ण रुक्मिणी को हरण किया है, रुक्मिणी हरण करते समय शिशुपाल ने पूरा अपना सैन्य सामंत को लेकर गया था, क्यों, उसको पता चला ये जो रुक्मिणी पहले कृष्ण को प्रेम करती थी, लेकिन उसको पिताजी तो चाह रहे हैं कृष्ण को साथ में शादी कराए, लेकिन जो रुक्मी उसका जो भाई बोले ये ग्वाला से हम शादी नहीं कराएंगे, कराएंगे तो किसी राजा महाराजे को साथ में कराएंगे हैं, जिसका कोई बाप का ठीक नहीं, कोई कहते नंदक लाला, कोई कहते वसुदेव दुलाला हैं। इसलिए बचपन में गैया को पीछे पीछे डोलता था, हमने सुना बचपन में घर घर में मक्खन भी चोरी करता था, भैया ऐसे व्यक्ति को अपना अपना बहन को नहीं देने वाले, हम तो किसी राजा महाराजे को देंगे बहन को शादी, इसलिए उसको पता था है? इसलिए उन्होंने किया, उन्होंने जब शिशुपाल को साथ में तय किया ना, शिशुपाल को जब पता चला रुक्मिणी कृष्ण को प्रेम करता था, कृष्ण का पराक्रम जानता है, वो पहले से ही अपना यार दोस्तों को लेकर के आए, सैन्य सामंत को बोले घेर जाओ चारों तरफ में है, कृष्ण जैसे बीच में प्रवेश नहीं कर पाए, अगर कृष्ण आया ना उसको छोड़ेंगे नहीं, सबके सब उसको परास्त करेंगे, सबके सब परास्त करेंगे। लेकिन वहां पर जब कृष्ण आए हैं, कृष्ण आते ही जिस समय रुक्मिणी जिस समय देवी की भवन में गई और वहां पर शंकर पार्वती स्वयं प्रकट हुए, वेद मंत्र से कृष्ण रुक्मिणी को शादी अंदर में करा दिया, लेकिन ये बात किसको पता ही नहीं चला। इतने में क्या हुआ, रुक्मिणी निकली, जब रुक्मिणी निकली, रुक्मिणी जब अपना घूंघट को उतारी है, कहते वो तो स्वयं माँ लक्ष्मी स्वरूपिणी है, स्वयं वो इतने सुंदरी थी रुक्मिणी, जब केवल अपना घूंघट को उतारी इतने सुंदरी थी, इनका रूप को देख करके सबके सब वहीं पर बेहस हो गए, अरे कृष्ण वहां पर प्रकट हुए हैं। तब उन्होंने रुक्मिणी को हाथ को पकड़े और रथ में बैठा करके ले चले, जब ले चले थोड़ी देरी बाद में जितने सैन्य सामंत जितने राजा को होश आया, बोले भैया रुक्मिणी कहाँ गई, बोले जिसका था तो उसने लेकर चला गया, बोले भैया मारो मारो पीटो पीटो, फिर कृष्ण को एकदम कृष्ण को बड़े टूट पड़े हैं। इतने में श्री बलदेव प्रभु पहले से ही पता था
है, कुछ कुछ डाल में कुछ काला है, ये पीली पत्र आई थी, कोई शादी का पत्र दिख रहा था, और बिना बोले गया कन्हैया, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। दाऊ भैया तो एकदम हल मुसल लेकर के दाऊ भैया आए थे, देखो हाथ में हल मुसल है, हैं बलदेव प्रभु का हल मुसल लेकर के आए थे। इतने में बलदेव बोले कन्हैया चिंता मत कर, रुक्मिणी को लेकर जा, इनको मैं निपट लेता हूँ। बलदेव प्रभु उठाए और हल और मुसल ऐसे मारपीट करना शुरू किया, भगदड़ मच गया वहां पर, हैं सबको मार मार करके बलदेव प्रभु सबको भगा दिए। हैं यहाँ पर कहते हैं, यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि तो वहां पर जितने सब राजा लोग आए थे कृष्ण को दर्शन किया है, लेकिन कृष्ण को दर्शन तो किया, लेकिन भक्तिहीन होने का नाते क्या हुआ, कृष्ण दर्शन करते हुए भी कोई लाभ नहीं हुआ, भगवान को साथ में लड़ाई करने के लिए तैयार हुए। क्यों? भक्तिहीन होने पर इसलिए कहते हैं क्या श्लोक है, प्रेमा जन छुरी तो भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सु विलोकयंतम जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद माधि पुरुषम तमाम भजामि। इसलिए भगवान को कैसे दर्शन कर सकते हैं, बोले भक्ति रूपी अंजन जब आंखों में लगाएंगे तभी जाकर भगवान को दर्शन करेंगे। इसलिए हमारा जो प्रयोजन है ना, हमारी प्रयोजन कृष्ण प्रयोजन नहीं, क्या प्रयोजन हमारी, प्रेम प्रयोजन। क्या प्रयोजन? प्रेम प्रयोजन हमारी, हम प्रेम चाहते हैं, हम कृष्ण को नहीं चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर उदाहरण दे करके सबके सब समझा रहे हैं। फिर कहते हैं यहाँ पर श्री कहते श्री कंस भी देखा, कंस देखा कि नहीं, लेकिन जब कंस रंगशाला में प्रवेश किया, प्रवेश करते थे मल्हा नाम असनी नृणाम है, इसलिए उसी समय कंस ने किस रूप में देखा, कंस देखा ही सख्यात काल, जितने वहां पर चारण मुष्टिका थे उन्होंने क्या देखा, जैसे वज्र, जितने ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या देखा, यही परतत्व है, जितने माताएं थी वो क्या देख रही थी, इसका दूध दांत ही नहीं टूटा, जितना स्त्रियां थी क्या देख रही थी, ये सख्यात कामदेव है, जिसकी भावना रही जैसी हरी मुरत देखी तीन सैसी, कहा भगवत दर्शन करने से जीव की भव बंधन से मुक्त हो जाता है। कंस उनको किस रूप में देख रहा है, काल है, सख्यात काल रूप में दर्शन कर रहा था कृष्ण को। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कंस भी कृष्ण दर्शन किया, लेकिन कृष्ण को मारने के लिए उन्होंने कोशिश किया, बोले हिरण्यकश्यप भी देखा और हिरण्याक्ष भी देखा, देखा कि नहीं, हिरण्यकश्यप भी देखा है, हिरण्यकश्यप जब भगवान खम्भे से प्रकट हुए, जो मुष्टि का घात मारी खम्भ फट गया और साक्षात नरसिंह देव प्रकट हो गए, बोले नरसिंह भगवान की, जब श्री नरसिंह देव प्रकट हुए हिरण्यकश्यप बोले मैं एक साधारण थोड़ी हूँ, है मैं भी छोड़ने वाला नहीं, वो भी अस्त्र शस्त्र को लेकर वो भी तैयार हो गया, और उसने क्या किया, भगवान को साथ में युद्ध किया है, युद्ध किया। इसलिए कहते इन्होंने भी कृष्ण दर्शन किया, भगवान को दर्शन किया, लेकिन दर्शन करते हुए भी भगवान को समझ नहीं पाए। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, मुकुंद कह रहे हैं, बोले प्रभु हाँ मैं कितना दुर्भागा हूँ, जिस भक्ति को तरह आपको पाया जाता है, मैंने वो भक्ति को श्रेष्ठ नहीं बोल करके किसको मैंने श्रेष्ठ बोला, जब ज्ञानियों को साथ में जाता था ज्ञान को मैंने सर्वश्रेष्ठ बोला, तुम्हारी भक्ति को मैंने आदर नहीं किया, हैं आदर नहीं किया। इसलिए कहते भक्ति को द्वारा कौन कौन प्राप्त किए, तब यहाँ पर उदाहरण देते हैं, कहते भक्ति को द्वारा कुब्जा ने, हैं जब कृष्ण जब मथुरा में आए और कुब्जा बड़े सुंदर पात्रों में चंदन कर्पूर अंगूर बड़े सुंदर चीज ले रहे थे, क्यों, कंस को श्रृंगार करेगी। इतने में कृष्ण कुब्जा को देख करके दूर से बोले ओ सुंदरी सुंदरी, बोले भैया मेरे को सुंदरी कौन बोल रहा है, हैं अभी तक तो मेरे को, क्योंकि कहते वहां पर वर्णन आता है ये कुबड़ी को देख करके बच्चे लोग डर के मारे घर में घुस जाती थी, हैं घुस जाती, इतने इतने देखने में ऐसी थी, लेकिन जब कृष्ण सुंदरी सुंदरी बोले ना, उन्होंने घूम करके देखा, घूम करके देखा तो कृष्ण बलराम को देखा, बोले क्या सुंदर प्यारे रूप है, हैं एक श्याम रंग का एक गौर रंग का, इन्होंने जब सुंदरी सुंदरी बोले, इतने में
क्यों बोले हैं? कारण है, पहले जन्म में ये कौन थी? कुब्जा पहले जन्म में कौन थी? सुपर्णखा थी। और सुपर्णखा अवतार जब भगवान राम लक्ष्मण गए थे उस समय में उन्होंने राम लक्ष्मण को दोनों को शादी करने के लिए चाह रही थी हैं। बोले देखो मैं जितने सुंदरी है ना भगवान तुम्हें भी इतना सुंदर बनाया, मतलब इसका मतलब है मैं जितने सुंदर तुम इतने सुंदर नहीं हो, तुमसे ज्यादा सुंदरी मैं हूँ हैं। मैं जैसे सुंदरी तुम्हें भी ठाकुर ऐसे बनाया, इसलिए मेरे से शादी कर लो, मेरे से शादी कर लो। इसलिए लक्ष्मण क्या किया, नाक उसका नाक नाक कान काट दिए। अभी वही है कहते कृष्ण लीला में ये कुब्जा बने, कहे कुबड़ी क्यों हो गई? कहती जो कुब्जा है ये पृथ्वी का स्वरूप है, हाँ ये पृथ्वी स्वरूप है। अभी कंस वहां पर अत्याचार कर रहे, अत्याचार से ये जो पृथ्वी है कुबड़ी रूप धारण की हुई, इसलिए इसको कौन सही कर सकते है? कृष्ण ही सही कर सकते है। इसलिए तब कृष्ण ने बोले सुंदरी हम दोनों भैया को थोड़ी सी चंदन से श्रृंगार कर देंगे, उनका रूप देख करके तो है एकदम भावरी बन के, बोले तुम्हें श्रृंगार नहीं करूंगा तो हम और किसका श्रृंगार करेंगे? कृष्ण का जो सुंदर रूप में अलका लगा करके तिलक लगा दिए, दाऊ भैया को भी बड़े सुंदर उनने तिलक लगा दिए हैं, बड़े सुंदर अगुर चंदन कर्पूर से तिलक सजाया, तिलक लगाया। इतने में सखाओं ने कहा कन्हैया तेरे को इसको लेना आता है, तेरे को देना नहीं आता। बोले क्यों? बोले देख ये तीन जगह में कुबड़ी कितने सुंदर हम लोग को तिलक लगाया है, कुछ तो कुछ दे। कृष्ण ने कहा हम तो जोड़ी प्यारी, मैं भी तीन जगह में टेढ़ी है, भी टेढ़ी इसलिए टेढ़ी टेढ़ी में तो बन रहे हैं, बड़े सुंदर ही। बोले प्रभु थोड़ा ठीक कर दो। कृष्ण ने क्या किया, एक हाथ पीठ में लगाया और एक हाथ उनको थोड़ी में और एक चरण उनकी चरण के ऊपर एक चरण रख करके एक झटका मारे ना सीधा प्लास्टिक सर्जरी कर दिया। और वो भगवान का हाथ का स्पर्श हो गया ना, हाथ स्पर्श होते ही क्या सुंदरी उसने बनी, अपना रूप को देखा, अपना जौवन को देख करके संभाल नहीं सकी। इतने में कृष्ण का कपड़े को पकड़ लिए, बोले हे प्रभु ये सुंदरता आप ही दिए हो, इसको आप ही भोग कर सकते। बोले शर्म नहीं लगता, ये दाऊ भैया जेठ खड़े हो, ये कपड़े पकड़ कर खींच रहे हो तुम इसलिए अभी नहीं, अभी मैं जाता हूँ कंस मामा को उधार करके घर में तुम्हारी घर में आऊंगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं देखो कुब्जा के हृदय में भक्ति थी, भक्ति होने का नाते भगवान को उसने श्रृंगार की और उनने भगवान को अपना प्रियतम रूप में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। बोले यज्ञ पत्नियों ने उन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया, क्यों? कृष्ण की कथा सुने थे हैं, कृष्ण की पुतना को मारे, अघासुर को मारे, बकासुर को मारे, तृणावर्त को मारे, जब उन्होंने सुना कृष्ण 7 साल में बोले गिरिराज उठा लिया। बोले हे भगवान 7 साल का बच्चा और 7 क्रोस गिरिराज 7 दिन तक उठा लिया। अभी ये मथुरा के जितने चौबीनी थी ना यज्ञ पत्नी सबके सम्मान में तरस है कब कृष्ण बलराम को दर्शन करे, लेकिन कंस का वैसे वही नहीं जा पाए, लेकिन कृष्ण जब आए उनको पर कृपा करना चाहते हैं और उनसे उन्होंने भात मंगवाया भोजन है। जब यज्ञ पत्नियों ने सुन करके जैसे नदी समुद्र के तरफ में भागती है, नदी ऐसे ही यज्ञ पत्नियों ने जितने कचौड़ी मालपुआ रसमलाई लड्डीगिनी चमचम और बढ़िया सुंदर सुंदर बनाए थे ना यज्ञ करने के लिए, इतना सुंदर सुंदर जो बनाए थे अभी तो उनको लेकर के जैसे नदियां जैसे समुद्र के तरफ में भागती हैं एकदम कृष्ण के लिए लेकर के भाग पड़ी। जब लेगी किसने जाकर के यज्ञ पति जो यज्ञ कर रहे थे उनको बोले अरे तुम लोग यहाँ यज्ञ कर रहे हो और वहां पर जो बढ़िया बढ़िया खाना बनाए थे ना ये यज्ञ के लिए, पता है तुम्हारी पत्नियां क्या कर रही हैं? अरे सब लेकर कृष्ण के लिए जा रहे हैं। हे ब्राह्मण लोग सुन करके चोटी खड़े करके भगे हैं, चोटी खड़े करके भगे। बोले कहाँ जा रही हो? बोले कृष्ण को खिलाने के लिए। बोले खबरदार अगर घर से जाओगे ना घर से तुमको घुसने नहीं दे, घर में से निकलोगे तो है, बच्चों ने कहा घर से निकलोगे तो घर में तुम घुसने नहीं देंगे। बोले तुम्हारी घर में ही नहीं आएंगे, तुम्हारी घर में ही नहीं आएंगे। इसलिए सबके सब कृष्ण को पास में गए, हे कृष्ण रूप देख करके बोले श्यामम हिरण्य परिधिम बनमाल वरहा धातु प्रबाल नटवेश मनोव्रतांश। भगवान को देख करके मुग्ध हो गई, कितना सुंदर भगवान को स्तुति की, भगवान को अपना हाथों से खिलाए, भगवान आशीर्वाद दिया। बोले जाओ घर में चले जाओ। बोले हम घर में झगड़ा करके आए,
हम तो आ रहे थे आपके पास में, पतियों ने बच्चों ने मना किया, हमने बोले घर से जाओगे तो घुसने नहीं देंगे, हमने बोले तुम्हारे घर में नहीं आएंगे, इसलिए हम झगड़ा करके आए, घर में हम नहीं जाएंगे, आपका श्री चरण में रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करो, जब अभी घर में जाओगे ना, जो तुमको प्यार नहीं करते थे अभी इतना तुम्हें प्यार करेंगे, हैं, बट तुमको पूजा करेंगे। सचमुच से कहते ना, जहाँ पर कृपा हरि की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर सारा दुनिया खुश हो जाते हैं। सचमुच से उन लोगों ने जब आए हैं, जब उन लोगों ने आए, उन लोगों ने अपना जीवन को धिकार दे रहे थे, हम जो त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी, हमारा जीवन को धिकार है। बोले यज्ञ पुरुष कौन है, कहते ना यज्ञार्थात कर्मन अन्यत्र लोकयम कर्मबंधनम, यज्ञ स्वरूप कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं है। कहते हम यज्ञ में सुहा 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 कर रहे हैं, लेकिन जो यज्ञ मूर्ति स्वयं भगवान हमारे पास में भोजन मांगे और भगवान की भोजन नहीं दिया। और जो स्त्रियां जिनकी अपवित्र रहने वाली, जिनके उपनयन संस्कार नहीं, जो कभी वेद पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन देखो ठाकुर जी उनको ऊपर में संख्यात दर्शन की, अपना हाथों से खिलाए, सचमुच से इनका जीवन धन्य है। और जब इन लोगों ने कृष्ण के पास में आए ना, कृष्ण क्या कहते हैं, बोले स्वागत में महाभागा। कहते केवल कृष्ण ये शब्द केवल दो बार उच्चारण किए हैं, केवल दो व्यक्ति के लिए, एक तो ब्रज गोपियों के लिए किए और एक यज्ञ पत्नी के लिए किए। हमारी भक्ति वेदांत जो बामन गोस्वामी महाराज प्राय करके ना यही कथा को प्राय करके जहाँ जहाँ जाते थे इनकी भक्ति के बारे में उन्होंने यही कथा सुनाया करते थे। प्राय करके इनको क्या सीट देखोगे, उनकी प्राय कथा में यज्ञ पत्नी कथा आई। इन लोगों ने कैसे भगवान की कृपा की है, भगवान का कृपा को कैसे प्राप्त किए। इसलिए जब उन लोगों ने वापस आए हैं, भगवान ने उनको किया स्वागत, बोले महाभागा तुम लोग जगत में सबसे बड़े सौभाग्यवान। बोले क्यों, सब बाधा विपत्ति को तोड़ करके भाई बंधु सबको ठोकर मार दिए। बोले क्यों, मेरे लिए तुम लोगों ने सारे रिश्ताओं को ठोकर मार दी, इसलिए जगत में सबसे बड़े सौभाग्यवान। इसलिए जब वो वापस आए ना, सचमुच से जो ब्राह्मण लोग थे उनको प्रणाम किए, चरण की पूजा किए, बोले तुम लोगों का जीवन धन्य है, हैं, कहा साक्षात यज्ञ पुरुष हमें भोजन मांगे हम दिया ही नहीं, हमारा जीवन को अधिकार है। और उनको सचमुच से उनको स्वागत कर घर में उनको स्वागत किया है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि देखो ये यज्ञ पत्नी को अंदर में भक्ति थी, इसलिए भक्ति को द्वारा उन्होंने क्या किया, परम परात्पर तत्व भगवान को उन्होंने प्राप्त किया है। इसलिए कहते मालाकार, जब भगवान मालाकार के पास में गए, भगवान को उन्होंने सुंदर उन्होंने माला पहनाया। कृष्ण जब गए पहले तो उन्होंने कुब्जा को उन्हें तिलक लगाया है, तो तिलक लगाया, सखावन का कन्हैया थोड़ी सी एक चीज की कसर रह गई। बोले किस चीज की, बोले थोड़ी सी माला हो जाता ना खुश हो जाता, थोड़ी माला होनी चाहिए। बोले चलो ना आगे क्यों चिंता कर दो, आगे कहते सुदाम माली मिले। बोले भैया हमारे सखाओं को थोड़ी सी फूल की माला से श्रृंगार कर दोगे, भगवान को देख कर खुश हो गई। खुश होकर के जितना वहां फूलों की माला था ना, सब सखाओं को उन्होंने पहना दिया है, सब सखाओं को पहना दिया, भगवान प्रसन्न हो गए, उनको उन्होंने आशीर्वाद दिए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं देखो कैसे इन लोगों को अंदर में भक्ति होने का नाते हैं, भक्ति होने का नाते इन लोगों ने कैसे भगवान की कृपा को प्राप्त किया। लेकिन कंस है, कंस कृष्ण को दर्शन तो किया, लेकिन उनको किस रूप में दर्शन किया, ये मृत्यु, ये कौन है, ये काल। क्यों, उसके हृदय में भक्ति नहीं थी। इसलिए यहाँ मुकुंद कह रहा है, बोले प्रभु आप केवल भक्ति को द्वारा ही आप बसीभूत होते हो, इसलिए हमारी मैंने वो भक्ति को अनादर करके मैंने ज्ञान को मैंने बड़ा बोला, इसलिए मेरी अपराध हो गया, मेरी अपराध को आप क्षमा कर दो। महाप्रभु बोले तो मेरे जन्म जन्मांतर का भक्त हो, क्योंकि जब मेरे आरती में संजय मुकुंद वासु घोषादि गाए, मेरे आरती में तुम लोग कीर्तन करते, इसलिए यहाँ पर उन्होंने भक्ति की महिमा को स्थापन करते हैं। फिर हम कल सुनेंगे, समय हो गया, फिर कल सुनेंगे भक्ति को द्वारा कौन कौन। और हाँ महाराज बोल दिया था ना कल, उन्होंने हेरा पंचमी के बारे बोल दिया था, इसलिए आज हेरा पंचमी है। हेरा पंचमी मतलब हेरा मतलब होता है मिलना, और हेरा मतलब होता है ढूंढना।
क्योंकि जगन्नाथ जी जो बोल कर गए थे, जगन्नाथ जी उनको लक्ष्मी को तो 15 दिन तक मनाया, उनको जो अनवसर होता है ना, अनवसर को कहते हैं, अनवसर मतलब क्या है, इनका अनवसर ऊपर दिखता है जगन्नाथ बहाना बनाए बुखार, लेकिन बुखार नहीं, बोले क्या है, अभी जगन्नाथ जी को इच्छा है अभी मैं थोड़ी सी वृंदावन जाऊँ, ब्रजवासियों से, ब्रज गोपियों से, सखा सखियों से थोड़ा मिल करके आऊँ, लेकिन अगर एक पति का दो पत्नी हो ना, अगर पति बोले उसी से मिलने के लिए जाता हूँ, फिर पत्नी क्या करे, बोले वहीं पर रहना, यहाँ आने का जरूरत है, इसलिए जगन लक्ष्मी को डरते हैं, नहीं तो खाना, वही तो खाना बनाती है, तो खाना बंद कर देगी, इसलिए उन्होंने 15 दिन उनको 15 दिन तक लक्ष्मी को हाथ घुमाए हैं, उनको खूब समझाए, बोले मेरे को केवल 1-2 दिन के लिए मेरे को आदेश दे दो, मैं थोड़ी सी जा करके मैं तो घूम घाम करके आ जाऊंगा, अभी 15 दिन तक बुखार पड़ा हुआ, बुखार में क्या कहते हैं पांचन, जैसे हमें बुखार होने पर दवा लेते हैं ना, जगन्नाथ जी फल मूल खाते हैं, अन्न दाल सब्जी, जैसे हम बुखार होने पर नहीं खाते हैं, जगन्नाथ जी केवल वृंदावन जाने के लिए उन्होंने 15 दिन तक उनके दवा खा खा कर रहे, अब फल मूल खा कर रहे, क्योंकि थोड़ी सी वृंदावन जाएंगे, अब ब्रजवासियों से केवल मिल करके आएंगे, जब 15 दिन के बाद में उठे कि तुमने देख लिया ना 15 दिन तक बुखार में पड़ा हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा है, 1-2 दिन के लिए जाऊं, इसलिए लक्ष्मी को नहीं लेकर किसी को लेकर जाते हैं, बलदेव प्रभु सुभद्रा, बोले क्यों लक्ष्मी को क्यों साथ में नहीं लेते हैं, कहती जो लक्ष्मी ये द्वारका परिकर और जो वृंदावन का जो परिकर है, वृंदावन का जो भाव, ये लक्ष्मी समझ नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी को छोड़ कर गए, इनकी ऐश्वर्य भावना है, वहां पर तो उल्टा है, यहाँ पर तो लक्ष्मी चरण सेवा करती है, वहां पर तो कृष्ण गोपियों को चरण में गिरते हैं, राधा जी के चरण में गिरते हैं, इसलिए लक्ष्मी वहां के भाव को, यहाँ पर सब दुनिया भगवान के झूठा गाते हैं, भगवान वहां सबके झूठा गाते हैं, कान मोल देते हैं मैया जसोदा, इसलिए ये चीज को समझ नहीं पाएगी, इसलिए लक्ष्मी को उन्होंने यही छोड़ कर गए, और उन्हें सुभद्रा और बलदेव प्रभु को लेकर गए, और जब गए बोले कब आओगे, बोले 2 दिन बाद में आ जाऊंगा, बाहर 2 दिन बाद में तो बोल कर गए, लेकिन 5 दिन हो गया, हेरा पंचमी ना पंचमी, 5 दिन हो गया लापता लक्ष्मी की, कहते स्त्रियों का क्या स्वभाव, क्या स्वभाव है, अगर किसी पत्नी को पता चले जाए ना मेरे पति और किसको प्रेम करते हैं, फिर तो उसका सारा दुनिया में ढंडरा बिटवाएगी, हैं, बोले कहते जानते हो वो क्या करता है, उसको साथ में प्रेम कर रहा है, हैं, उसको साथ में उठता है बैठता है, ये स्त्रियों का एक स्वभाव है, कभी ये चीज को सहन नहीं कर सकते, हर चीज को पत्नी सहन कर ली घर में सारी चीज को, लेकिन अगर पता चले गए मेरे पति और किसको प्रेम कर रहे हैं, स्त्रियां कभी ये चीज को सहन नहीं कर सकती है, इसलिए लक्ष्मी ढिंडरा पिटवा दी, जिसको देखो उसको बोले, जिसको देखे, इसलिए जगन्नाथ मंदिर में जाओगे देखो लक्ष्मी, जगन्नाथ जी जो उनका भंडारा है ना, ताला बंद करके चाबी काठी साथ में लेकर गई, लक्ष्मी को केवल 2-3 दिन के लिए भोजन देकर गए, और लक्ष्मी जब देखा 5 दिन हो गया नहीं आ रहे हैं, लक्ष्मी बाहर निकल करके आ गई, जो आए ना दुनिया को बोलती है, जानते हो जगन्नाथ जी क्या कर रहे हैं, वहां प्रेम कर रहे हैं, सबको बोलती है, इसलिए आप जाकर देखना ठीक, जो जगन्नाथ अंदर मंदिर ठीक वहीं पर लक्ष्मी बैठी हुई, हाँ वहां पर बैठती है, और लक्ष्मी सबसे बोलती है, देखो खाने के लिए कुछ है ही नहीं, हमारा बंद करके चली गई, इस समय ना जो आता है लक्ष्मी तो जिंदगी भर सबको देती है, लेकिन इस समय में देखना खुद लक्ष्मी खूब भिक्षा मिलता है, जो आता है पैसा डालती है, लक्ष्मी बोलती है खाना बंद करके चले गए, हाँ ताला बंद करके हमारे पास खाने का आए नहीं, लेकिन जब 5 दिन हो जाता है ना, लक्ष्मी को सहन नहीं होता है, और एकदम ठाड बाड़ एकदम सज धज करके लक्ष्मी अपना सैन्य सामंत को लेकर के एकदम बढ़िया से है हीरे जवाहरात को सजा करके पालक में बैठ करके लक्ष्मी जाती है, जा करके सबसे पहले है कहते स्त्री श्री चैतन्य महाप्रभु अपना परिकरों के साथ में सब दर्शन करते हैं, श्रीवास पंडित स्वरूप दामोदर राय रामद दर्शन करते, उन्होंने जा करके सबसे पहले तो जगन्नाथ जो रथ का पहिया को तोड़ देते हैं, बस देख रहे कितना गुस्सा लक्ष्मी के ऊपर, 2 दिन बोलकर 5 दिन हो गया तोड़ दी, और अंदर में तमतमाते हुए गई और सिंहासन में बैठी गई, वहां पर 2 दल होता है, पहले जो दल है वहां पर सेवा करते हैं वो सबर है, विश्वावसु सबर का गर्भस जो हुए हैं, और इधर जो है ये जो ये नहीं विश्वावसु ये विद्यापति, ये विद्यापति ब्राह्मण का घर से संतान हुए हैं, ये इनको लेकर ये जाती हैं,
और ये लोग एक साल तक यही लोग पूजा करते हैं, और अनवर से विश्वावसु से जो संतान होते हैं, क्योंकि गोपी भाव से वो लोग सबर जाती गोपी भाव से, इसलिए वो लोग सेवा करते हैं, उनको ले जाते हैं सुदराचल। इसलिए लक्ष्मी बैठ जाती हैं और अपना जितने सन्यास सामंत को जाओ पकड़ कर ले आओ उनको, मेरे पति बोला दो दिन बाद में आ जाएंगे और इनको छोड़ नहीं रहे, 5 दिन हो गया यही लोग जोर जबरदस्त रखे। और एक दल जाकर के ना उनको गले में गामछा लगा करके, जैसे कि दंड व्यक्ति को दंडित व्यक्ति को पकड़ कर ले आते हैं, उनको तो पकड़ कर ले आते हैं लक्ष्मी के सामने। और ये लोग आकर के ना जो ब्रजवासी गोपियां जो दल में लक्ष्मी के चरण में प्रणाम करती हैं, बोले लक्ष्मी आप क्रोध मत किया करो, आपका पति को हम जल्दी जल्दी छोड़ देंगे, आप चिंता मत करो जल्दी जल्दी पहुंचा देगा, जब माफी मांगते हैं फिर लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। और उस समय महाप्रभु अपना परिकरों के साथ में वहां पर, इतने में श्रीवास पंडित को नारद, ये वैकुंठ परिकर है, कहते स्वरूप दामोदर कौन, कहते ललिता है, इसलिए नारद जी है वो श्रीवास पंडित स्वरूप दामोदर कह बोले क्यों देखो क्या हो रहा है, हाँ देखो हमारे लक्ष्मी की ऐश्वर्य तक देखो, हैं देखो देख रहे हो तुम्हारी ब्रजवासी गोपियां कैसे लक्ष्मी के चरण में गिड़गिड़ा रहे माफी मांग रहे, देख रहे हो वृंदावन में क्या है, कुछ नहीं हुआ, पेड़ पौधा है फूल कुछ है नहीं, और लक्ष्मी को देखो क्या ठाट बाट हीरे जवाहरात हैं सोने चांदी में कैसे चमक रहे हैं, हाँ वृंदावन में कुछ नहीं। इतने में स्वरूप दामोदर कहते हैं बोले ज्यादा बोलो मत चुप रहो, आपको पता नहीं वृंदावन का ऐश्वर्य, आपको पता नहीं वहां की एक लता में एक पता में इतने शक्ति है, कितना ऐसे हैं वैकुंठ को प्रसव कर सकते हैं। इसलिए चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष सारे वृक्ष कल्प वृक्ष भूमि चिंतामणि, ज्यादा बोलो मत चुप रहो है, उनका अंदर भेष होता है। अब महाप्रभु ना ये सब देख देख कर बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और वहां पर लक्ष्मी हाँ फिर जिधर गई उधर नहीं जाती, एक नागचना कोई गली है, फिर उधर लक्ष्मी फिर उधर से आ करके है हेरा गौरी साई से, फिर लक्ष्मी उधर से होकर वापस से ले आती हैं। फिर जगन्नाथ जी कितना दिन के बाद में आएंगे, एकादशी का आएंगे तो दशमी का दिन ही आएंगे, फिर एकादशी का दिन जगन्नाथ जी की सुना वैसे है, उसको बाद में फिर जगन्नाथ जी त्रयोदशी में प्रवेश करेगी, जब प्रवेश करेंगे ना लक्ष्मी दरवाजा बंद कर देती, जाने दे देती अंदर में, आ करके दरवाजा पूरा बैठ जाती है। जब बलदेव प्रभु आते हैं बोले कौन आ रहे हैं, बोले तुम्हारी जेठ आ रहे, बोले जेठ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं खोल दो ताऊ भैया को। उसके बाद में सुभद्रा आती है बोले कौन आई है, बोले तुम्हारी ननंद आई है, बोले ननंद से कोई झगड़ा नहीं खोल दो। बोले कौन आ रहे हैं, बोले तुम्हारी खसम आ रहे, तुम्हारी पति देव आ रहे है, सुन दे बोले दरवाजा बंद करो, इनसे ही लड़ाई है, हाँ इनसे ही लड़ाई है, इनको अंदर में आने मत दिया करो। लेकिन जगन्नाथ जी बड़े छलिया है, हैं जगन्नाथ जी राधा रानी का जो मान कहते दुर्जय मान, इतना आसानी नहीं राधा रानी के मान को मनाना, गोपियों को मान मनाना इतने आसानी नहीं, लेकिन जो राधा रानी को जो मना सकते हैं, कहते ये लक्ष्मी को मनाना जगन्नाथ जी के लिए कोई बात, चुटकी बजाती उनको मना देगी, उनको पता है स्त्रियों को खुश करना तो कैसे खुश कर सकते, पहले से ही बढ़िया बढ़िया कपड़ा कपड़े में सोने की जरी की एम्ब्रॉयडरी का काम, और बड़े सुंदर लक्ष्मी के लिए अलंकार गहना, और पूरा रसगुल्ला की हैं भांडी लेकर के आते हैं। इतने में लक्ष्मी कहती है कितना दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कितना दिन बाद में आ रहे हो। जगन्नाथ जी कह रहे हैं इसमें मेरे थोड़े दोष है। बोले क्या किसका दोष है, बोले जब मैं विदेश गया हूँ तेरे लिए कुछ लाए बगैर खाली हाथ में थोड़ी आ सकता हूँ। बोले क्या लाए, बोले तुम्हारे लिए तू जो लाई करता है ना वो एकदम साड़ी है, काला रंग की साड़ी में सोने की चरी की एम्ब्रॉयडरी का काम, बनारसी साड़ी, बड़ी सुंदर साड़ी मैंने ऑर्डर दिया था, और जो जो सोने की है जयपुर जो सोना जो प्योर सोना में अलंकार मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर दिया था, तुमको जो पसंद है एकदम सर से लेकर प्यार तक गले के लिए हाथ के लिए, क्योंकि स्त्रियों को खुश करना ना भाई ये दो चीज सबसे ज्यादा प्यारा है, उनको लायक साड़ी खरीद करा दो और उनके लायक गहना दे दो, बस पत्नी खुश हो जाती, उनको पता है। बोले उसको मैंने ऑर्डर दिया था, अगर ऑर्डर देने में दिया था, अगर देने में अगर लेट कर दिया तो मैं क्या करूं, इसमें मेरा दोष थोड़ी, खाली हाथ से कैसे आ सकता था तुम्हारे लिए लाए बगैर। जब लक्ष्मी सुना मेरे लिए बड़ी सुंदर साड़ी और जयपुरी सोना की अलंकार लाए, सुनते ही लक्ष्मी का जो मान था ना
नीचे उतर गया। पहले गए तो गए लेकिन मेरे को याद रखा है। अब मेरे लिए साड़ी और अलंकार लेकर के आए। बोले और क्या लाए तेरे को बता। बोले क्या। बोले तेरे लायक जो रसगुल्ला तू जो पसंद करते है ना, स्पेशल रसगुल्ला ऑर्डर दे करके लाया हूँ। है सुनते ही लक्ष्मी को जीवा में पानी आ जाती है। साले बुरी मीठा तुम्हारे लिए स्पेशल लाया हूँ। जगन लक्ष्मी खुश हो जाती है। बोले दरवाजा खोल दो। हाँ देर तक किया लेकिन मेरे को याद किया है। फिर माँ लक्ष्मी जगन्नाथ जी को आरती उतारती है। उतार करके फिर अंदर में ले जाते इस जगन्नाथ जी की बड़ी प्यारी। इसलिए आज का दिन है हेरा पंचमी। हेरा मतलब होता है, हेरा मतलब एक तो होता है हेरना मतलब देखना। एक तो जगन्नाथ जी से मिल करके आते हैं। दूसरा हेरा मतलब होता है जो जो खो गए हैं, जो जा करके जो खो गए मतलब दो दिन बाद में बोल करके पांच दिन तक भी नहीं आए उनको ढूंढने गए। वो गए तक गए कहाँ, अभी तक क्या कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने क्यों नहीं आए हैं। इसलिए वो लक्ष्मी जाती है उनको ढूंढने के लिए। लक्ष्मी जाती है आज ये तिथि है जगन्नाथ जी की धाम में हम लोग जगन्नाथ जी कथा सुन रहे हैं। हाँ ये बक्रेश्वर महाप्रभु की बड़े सुंदर कीर्तनिया थे। बक्रेश्वर जब नृत्य करते थे महाप्रभु बोलते थे तुम एक मेरा हाथ हो और एक अगर तुम्हारी जैसे हो ना मैं आकाश में उड़ जाता है। इसलिए ये बड़े सुंदर कीर्तन करने वाले थे ये बक्रेश्वर पंडित है। आज भी उनका तिथि है, तिरह तिथि है। इसलिए आज बहुत बढ़िया तिथि। बोले श्री हेरा पंचमी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की। बोले श्री बक्रेश्वर पंडित की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम सुखमाधव हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
जय जय देव सुधा।